हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद, आलोकन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछली क्लास से जुड़ा हुआ है। टॉपिक है इतिहास की जानकारी के स्रोत, और इसके अंतर्गत हमने कल की क्लास में देखा था कि इतिहास की जानकारी के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। इसके अंतर्गत पिछली क्लास में हमने देखा था जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके बारे में, तो उसमें कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं और फिर बाद में साहित्यिक स्रोतों के बारे में देखते हैं। इतिहास और इसकी जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, इसके अंतर्गत हमने देखा था कि जानकारी के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो हमने देखा था कि अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, चित्रकला है, मूर्तिकला है, कब्र, ये इतनी चीज़ें पुरातात्विक स्रोतों के रूप में, इतिहास की जानकारी के स्रोतों के रूप में ली जाती हैं। और अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इसके अंतर्गत अगर भारतीय साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो दो तरह के हैं, एक तो है धार्मिक और दूसरा है धर्मेतर। और कुछ साहित्यिक स्रोत हमें विदेशी स्रोतों से भी मिलते हैं, या जो लोग विदेश से हमारे यहाँ पर आए थे यात्री के रूप में या किसी राजदूत विशेष के रूप में, तो वो भी हमारे लिए किसी ना किसी रूप में साहित्य के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो कल की क्लास में हमने पुरातात्विक स्रोत हैं उनके बारे में देखा था, और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमने अभिलेख देखे थे, सिक्कों के बारे में हमने देखा था, स्मारकों के बारे में देखा था, मूर्तिकला के बारे में देखा था, और चित्रकला और कब्र इनके बारे में देखना अभी बाकी था। तो आज हम जो प्राचीन काल में चित्रकला और कब्र जैसी सामग्री हमें मिली है वो हमारे इतिहास के निर्माण में या इतिहास के स्रोत के रूप में कैसे कार्य करती है उसको देखते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो आज हम देखते हैं चित्रकला के बारे में और कब्र के बारे में। चित्रकला, चित्रकला से होता क्या है कि उस समय के समाज के विचारों के बारे में, उनकी कला के बारे में जो आस्था है या उनकी रुचि है उसके बारे में पता चलता है। कहने का मतलब उस समाज की कला में रुचि, आस्था या फिर किसी धर्म विशेष में रुचि आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अगर प्राचीन काल में जो चित्रकला की सामग्री हमें मिली है उसकी अगर बात करें तो हमें कई तरह की सामग्री मिली है, जैसे गुफा चित्रकला मिली है, जिसके उदाहरण पर देखें तो बाघ गुफा चित्रकला है, अजंता एलोरा की चित्रकलाएं हमें मिली हैं जो उस समय की चित्रकला के बारे में या उनकी रुचि के बारे में, उस समय का जो समाज है उसके दर्शन के बारे में हमें जानकारी देती हैं। अब अगर नंबर दो पर देखें तो कुछ सामग्री हमें कपड़े पर भी मिली है, जैसे
अरिका मेडू में। तो ये भी क्या है, हमें उस समय के जो कपड़े पर चित्रकला की जाती थी या उनका जो चित्रकला के प्रति दृष्टिकोण है, रुचि है, उसके बारे में दर्शाता है। अगर नंबर तीन की बात करें तो हमें मृद भांड जो मिले हैं उनके ऊपर भी चित्रकला देखने को मिलती है, जैसे लाल काले चित्र वाले मृद भांड मिले हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमें कई तरह की सामग्री मिली है जिससे चित्रकला के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम देखते हैं गुफा चित्र कब्रों के बारे में, जो भिन्न भिन्न प्रकार की कब्रें हमें मिली हैं। तो उस समय के जो उनके दफनाने की प्रक्रिया है, क्या सामग्री वो कब्र में रखते थे, कब्र के ऊपर वो कैसा ढांचा निर्मित करते थे, जो कब्र दफनाने का या व्यक्ति को दफनाने की जो उनका तरीका था, दिशा है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो कब्र के बारे में देखते हैं। कब्र की अगर बात करें तो हमें दो प्रकार की कब्रें मिली हैं, एक धार्मिक प्रकार की कब्र, इसका उदाहरण देखें तो स्तूप सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, स्तूप जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें होता ये था कि जो बौद्ध धर्म का कोई धर्म गुरु है, कोई साधु है, उसका अवशेष यानी मृत्यु के बाद में उसका जो अवशेष होता था उसको इसमें रख करके एक पूजा स्थल के रूप में इसको प्रयोग में लिया जाता था, यानी एक आस्था का प्रतीक के रूप में या आस्था की जगह के रूप में उसको प्रयोग में लिया जाता था। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में देखें तो सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है, बरहूत का स्तूप है, ये सारे स्तूप हैं जो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के बारे में हमें उनके जो नियम हैं, उनकी जो आस्था के तरीके हैं, उनके बारे में बताते हैं। और दूसरा है धर्मेतर। अगर धर्मेतर कब्रों की बात करें तो दो तरह की हमें मिली हैं, एक तो जैसे उत्तर भारत की बात करें तो हड़प्पा में हमें कब्रें मिली हैं जो उस समय के व्यवस्था के बारे में या उनका जो दफनाने का तरीका था, जैसे कालीबंगा में है, लोथल में है, कई जगह के ऊपर मिली हैं। तो उससे क्या है, उनकी जो दफनाने की दिशा है, जो सामग्री वो रखते थे, उसके बारे में पता चलता है। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ महापाषाणिक कब्रें मिली हैं, यानी दक्षिण में जो कब्रें मिली हैं उनको दफनाने के बाद में उनके चारों तरफ पत्थर की छोटे छोटे पत्थर लगा करके उनको सुरक्षित किया जाता था ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। और आने वाला जो समय है या फिर आने वाला जो समाज है उसको कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को मिले। तो ये था हमारा पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी वाला टॉपिक, जिसमें हमने अभिलेख देखे, सिक्के देखे, स्मारकों के बारे में हमने जाना, और चित्रकला, मूर्तिकला और कब्रों के बारे में हमने देखा है। अगला जो इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों के बारे में देखते हैं। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इसके बारे में हम देखेंगे, एक तो इनका जो उद्देश्य है साहित्य लिखने का वो क्या था, एक इसका महत्व क्या है, यानी हम उद्देश्य के बारे में देखेंगे, इनका महत्व क्या था उसके बारे में देखेंगे, और कुछ इनकी जो सीमाएं हैं उनके बारे में देखेंगे, और अंत में हम क्या करेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे। जिनके माध्यम से इनको समझने में आसानी होगी। अगर उद्देश्य की बात करें, जो भारतीय साहित्य प्राचीन काल में लिखा गया, जिसको हम इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में लेते हैं, तो भारत में जो साहित्य लिखा गया था
वो बेसिकली जैसे यूनान में जो साहित्य लिखा गया ग्रीक और यूनान में, उसका उद्देश्य था इतिहास का निर्माण करना, यानी इतिहास के बारे में स्पष्ट जानकारी देना, कालक्रम के बारे में जानकारी देना। लेकिन अगर भारतीय इतिहास की बात करें, या जैसे इस तरीके से समझें कि आज का जो इतिहासकार है वो इतिहास लिखते समय क्या करता है, कार्य कारण का जो सिद्धांत है उसको केंद्र में रखता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे आज का अगर इतिहासकार इतिहास लिखेगा तो उसका मेन उद्देश्य क्या होगा, कार्य कारण के सिद्धांत को केंद्र में रख करके इतिहास लिखने का कार्य करेगा। कहने का मतलब है, कार्य कारण से यहां पर मतलब यह है कि ऐसा होने से या ऐसा करने से ये हुआ होगा, ठीक है, यानी इस कार्य को करने के पीछे ये कारण रहे होंगे इसलिए ऐसा हुआ है। ये मनोवृत्ति किसकी है, आज के इतिहास लेखकों की। लेकिन अगर प्राचीन काल के इतिहास की बात करें या साहित्य जो प्राचीन काल में लिखा गया था उसकी बात करें तो ऐसा कोई कारण वहां पर नजर नहीं आता है, यानी ऐसी व्यवस्था या ऐसे उद्देश्य को लेकर के उस समय इतिहास नहीं लिखा गया था। उस समय का जो इतिहास है वो ना तो उसमें कालक्रम को ध्यान में रखा गया है, ना कार्य कारण के सिद्धांत को ध्यान में रखा गया है। वहां पर जो इतिहास लिखा गया है उसके उद्देश्य अलग हैं। तो उनकी बात करें उद्देश्यों की, तो बेसिकली उस समय के उद्देश्य क्या थे, जनसाधारण को शिक्षा देना या फिर उपदेश देना, समाज में व्यवस्था कैसे स्थापित हो, व्यवस्था स्थापित करने के लिए विधान बनाना, विधान बनाना, और एक उद्देश्य होता था मनोरंजन का। जैसे मान लीजिए बात करें रामायण, महाभारत, वेद, इन सब में कहीं ना कहीं शिक्षा दी गई है, उपदेश दिया गया है, समाज को संचालित करने के लिए विधान दिए गए हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, और कुछ नाटक वगैरह ऐसे लिखे गए हैं जिनके माध्यम से समाज का मनोरंजन किया जा सके, उनको एक अच्छी क्वालिटी का या अच्छे तरीके से उनको मनोरंजन किया जाए ताकि समाज में मतलब जीवन का एक हिस्सा मनोरंजन भी होता है तो उसके माध्यम से उसकी पूर्ति की जा सके। अब अगर भारतीय उद्देश्य से इतिहास की परिभाषा देखी जाए साहित्यिक स्रोतों की, तो हमें महाभारत में ऐसा देखने को मिलता है। महाभारत में कहा गया है, महाभारत में कहा गया है कि ऐसा रुचिकर विषय या ऐसी रुचिकर कथा जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की शिक्षा दी जा सके, शिक्षा दी जा सके। यहां पर हमें धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के बारे में कहा गया है, और ये चीजें हैं जो एक पुरुषार्थी होता है, अर्थात एक पुरुषार्थी जो होता है कि जीवन का उद्देश्य मानी गई है। तो महाभारत में इन्हीं चीजों को समझाने का प्रयास किया गया है, या इतिहास की परिभाषा इस रूप में दी गई है कि एक पुरुषार्थी है, उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर ऐसी शिक्षा मिलती है
या इस तरह की सामग्री हमें मिलती है तो उसमें जो कालक्रम है उसका अभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो भारतीय जो इतिहास लेखन था या साहित्य लिखा गया, उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं हमें शिक्षा प्रदान करना है, उपदेश देना है, समाज को दिशा देना है और मनोरंजन करना है। लेकिन अगर बात करें यूरोपीय देशों की या यूनान और ग्रीक जैसे देशों की, तो वहाँ स्पष्ट रूप में इतिहास लिखने की परंपरा रही है, कालक्रम को आधार बना करके शासकों की जो क्रमिक वंशावली है उसको ध्यान में रख करके इतिहास लेखन किया गया है। भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो प्राचीन भारत का साहित्य है वो हमारे इतिहास निर्माण में या इतिहास के स्रोत के रूप में काम नहीं करता है। अगर उसमें कालक्रम नहीं दिया गया है, राजाओं की वंशावली वगैरह नहीं दी गई है सही ढंग से, बाद में पुराणों वगैरह में तो मिलती हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो साहित्य प्राचीन काल का जो साहित्य है वो हमारे इतिहास की सामग्री नहीं है। उसमें हमें राजाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है, उस समय के समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, जैसे बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, उनसे हमारे धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से भारतीय जो प्राचीन काल का साहित्य है उसका उद्देश्य था शिक्षा देना, उपदेश देना, समाज में एक व्यवस्था स्थापित करना, मनोरंजन के रूप में कार्य करना। अब अगर इसके महत्व की बात करें कि जो साहित्य लिखा गया था प्राचीन काल में, प्राचीन कालीन भारतीय साहित्य का महत्व, तो महत्व के रूप में देखें तो कई चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे इससे एक तो लोक भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, जो राजनीतिक प्रक्रिया है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, यानी लोक भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जो राजनीतिक प्रक्रिया थी उस समय के उसके बारे में जानकारी मिलती है, धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, लोक परंपराओं, आस्थाओं व विचारों के बारे में, विचारधाराओं के बारे में पता चलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछता है या एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि जो प्राचीन काल में जो साहित्य लिखा गया था उसको इतिहास के स्रोत के रूप में क्यों शामिल करें, तो उसके महत्व से हमें ये प्रकट होता है या महत्व से हमें जानकारी मिलती है कि उससे उस समय की लोक भाषाओं का पता चलता है, राजनीतिक जो प्रक्रिया थी उसके बारे में पता चलता है, लोक जीवन की जो आस्थाएं हैं, व्यवस्था है, विचार हैं, उनके बारे में पता चलता है, उस समय का जो धर्म है उसके बारे में पता चलता है। तो इस तरह से अगर हमें पता चल रहा है या हमें सामग्री मिल रही है तो इसको हम एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर जो साहित्य है, प्राचीन कालीन जो साहित्य है, इसकी सीमाओं के बारे में बात करें कि इसकी कुछ सीमाएं भी रही होंगी, तो सीमाओं की अगर बात करें तो एक तो क्या है कि यहाँ पर अतिशयोक्ति बहुत ज़्यादा दी गई है, अतिशयोक्ति देखने को मिलती है। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे लेखक थे जिन्होंने उस समय के राजाओं के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बात की है जो कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति का कारण बनती है। एक यहाँ पर क्या है कि काल क्रम का अभाव है, यानी
एक स्पष्ट कालक्रम इसमें देखने को नहीं मिलता है। और कई जगह हमें क्षेपक देखने को मिलते हैं जो उस प्रति के या उस साहित्य के मूल, उसकी जो मूल भावना है उसको कहीं ना कहीं नष्ट कर देता है या उसमें कहीं ना कहीं बिखराव देखने को मिलता है, भटकाव देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसमें कुछ सीमाएं भी होती हैं। अब बात करते हैं हम जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके उदाहरण की। उदाहरण की अगर बात करें तो जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है, एक भारतीय और दूसरा है विदेशी। तो सबसे पहले हम भारतीय जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इसको भी इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है, एक है धार्मिक सामग्री और दूसरी है धर्मेतर सामग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक सामग्री के बारे में या धार्मिक जो स्रोत हैं उनके बारे में। धार्मिक स्रोतों को भी इतिहासकारों ने तीन भागों में बांटा है, जैसे मान लीजिए हिंदू, बौद्ध और जैन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदुओं के बारे में। तो जो हिंदू सामग्री है उसकी अगर बात करें तो हमारे पास में क्या है, वेद हैं, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद है तो ये पूर्ववेदी काल के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी देता है, जैसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ऋग्वेद। और अगर बात करें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की, तो इनसे हमें उत्तर वैदिककालीन समाज, राजनीति, धर्म आदि के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर बात करें तो इन्हीं से जुड़ी हुई सामग्री है ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, स्मृतियां आदि। तो इनसे क्या है, उत्तर वैदिककाल के समाज के बारे में भी पता चलता है और थोड़े बाद का जो समय है यानी 5वीं और 4थी शताब्दी के आसपास का जो समय है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और कुछ ग्रंथ हैं जैसे महाभारत है, रामायण है, इनसे भी हमें कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा या समाज में व्यवस्था स्थापित करने की शिक्षा मिलती है, जो भी एक इतिहास का स्रोत के रूप में देखने में, इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण सामग्री है। और अगर बात करें तो पुराण हैं, पुराण हैं जो गुप्तकालीन समाज के बारे में काफ़ी कुछ सामग्री देती हैं इतिहास लेखन के लिए। तो इस तरीके से देखें तो जो हिंदू सामग्री है या स्रोत हैं हिंदू धर्म से संबंधित, उसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं, पुराण हैं, ये सब मिलकर के क्या है, हमें कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से संबंधित जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जानकारी देती है। अब अगर बात करें बौद्ध धर्म से संबंधित जो सामग्री है उसके बारे में, तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई सामग्री हमारे पास में जैसे त्रिपिटक हैं, बहुत सारे आगम हैं, जातक कथाएं हैं, अंगुत्तर निकाय है, आर्य मंजूश्री
मूल कल्प है, ये ऐसी सामग्री है जो हमें कहीं ना कहीं, और बहुत सारे ग्रंथ हैं जैसे मान लीजिए दिव्यावदान है, या फिर बात करें तो मिलिंद पन्नो है, ये सारी सामग्री हमें बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाती है। जैसे देखें तो त्रिपिटक है, तो इनमें क्या है, बौद्ध धर्म के उपदेश और नियमों के बारे में पता चलता है। जातक कथाएं हैं, उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां दी गई हैं, पूर्व जन्म की कहानियां दी गई हैं, ठीक है। अंगुत्तर निकाय है, इसमें 16 महाजनपद जो छठी शताब्दी के आसपास भारत में थे, 16 महाजनपद उनका उल्लेख मिलता है। आर्य मंजुश्री मूलकल्प और दिव्यावदान है, इनमें राजाओं के बारे में, यानी उस समय के जो राजा थे, राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। मिलिंद पन्नो है, तो इसमें जो बौद्ध भिक्षु हैं नागसेन और मिलिंद, एक यूनानी शासक है, उनके बीच में बौद्ध धर्म को लेकर के जो दार्शनिक वार्तालाप होती है उसकी जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से क्या है, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई सामग्री है वो भी हमें कहीं ना कहीं प्राचीन भारत के या भारतीय इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में कार्य करती है। अब अगर जैन धर्म से जुड़ी हुई सामग्री की बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे आचारांग सूत्र है, आचारांग सूत्र है, भगवती सूत्र है, भद्रभाऊ कथा है, और बहुत सारी जो सामग्री है उससे कहीं ना कहीं जैन धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं हम लोग जो धर्मेतर साहित्य है उसके बारे में, धर्मेतर साहित्य या लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत बात करें तो जैसे मान लीजिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, पतंजलि का महाभाष्य है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस और पतंजलि का महाभाष्य, सोमदेव की कथा सरित सागर, सोमदेव की कथा सरित सागर, कालिदास के नाटक, कलहण की राज तरंगणी, ये सामग्री है जो कहीं ना कहीं हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करती है। जैसे बात करें कौटिल्य के बारे में, तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है, पतंजलि का महाभाष्य है ये शुंग काल के बारे में जानकारी देता है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस है ये मौर्यों के बारे में जानकारी देती है, सोमदेव का कथा सरित्र सागर है ये भी मौर्योत्तर काल और मौर्यों के बारे में जानकारी देता है, कालिदास के नाटक हैं ये शुंग व गुप्त काल के बारे में जानकारी देते हैं, कलहण की राजतरंगिणी है जो 11वीं सदी में लिखी गई
कश्मीर के अंतर्गत लिखी गई, लेकिन ये भारतीय इतिहास की जानकारी का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारतीय इतिहास की जानकारी का जो साहित्यिक स्रोत है उसको इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा, एक धार्मिक साहित्य और एक धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमने हिंदू ग्रंथ देखे, बौद्ध ग्रंथ देखे और जैन ग्रंथ देखे, और धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत हमने कालिदास के नाटक, चाणक्य की अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, सोमदेव का कथाश्री त्रिसागर, और जैसे कामंदक का नीतिसार है, बाण भट्ट की हरिश्चरित्र है, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि है। ये सारा साहित्य है जो कहीं ना कहीं हमें प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में एक सामग्री के रूप में कार्य करता है या मिलता है। अब हम देखते हैं जो विदेशी साहित्य है उसके बारे में। विदेशी साहित्य को इतिहासकारों ने क्या किया है, अलग अलग भागों में बांट करके देखने की कोशिश की है, जैसे यूनानी है, और अरबी जो साहित्य है उसको भी शामिल किया है, चीनी और तिब्बती। ठीक है, अगर यूनानी की बात करें तो यहाँ पर हेरोडोटस है, टीसीएस है, मेगस्थनीज है, एक पुस्तक है पुस्तक के बारे में देखें तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथीसियन सी। और अगर डायमेकस है, पीलनी है, ये सब यूनानी सामग्री है जो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देती है। अब अगर अरबी की बात करें तो अरबी के अंतर्गत हमें सुलेमान है, अल मसूदी है, अल बरूनी है, उत्बी है, जिनसे भी कहीं ना कहीं भारतीय समाज के बारे में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, धर्म दर्शन के बारे में एक अच्छी सामग्री मिलती है। अब अगर चीनी सामग्री के बारे में बात करें या चीन से जो भारत में आए थे, जैसे फायान है, सुंगयुंग है, वेन सांग है या इत सिंह है, इन्होंने भी समय समय के, जिस समय में ये भारत आए उसके बारे में और उसके पीछे के और आगे के जो शासक हुए हैं उनके बारे में भी वर्णन करने का प्रयास किया है। अगर तिब्बत की बात करें तो तिब्बत से तारानाथ ने जो भारतीय धर्म के बारे में या समाज के बारे में लिखा है वो सामग्री हमें मिलती है। एक श्रीलंका से भी हमें सामग्री मिलती है जो दीप वंश और महावंश के रूप में है, दीप वंश और महावंश के रूप में। अगर इनको कालक्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहले अगर यूनानियों की बात करें तो हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता कहते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास की जानकारी यहाँ से मिलती है। टीसीएस है, ये भी इसी के समकालीन है। मेगस्थनीज की अगर बात करें तो हेरोडोटस है,
ये ईसा पूर्व की जो सामग्री है उसके बारे में वर्णन करता है। मेगस्थनीज की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और उस समय का जो नगर नियोजन है या फिर नगर की जो व्यवस्था है उसके बारे में बताता है। पेरिप्लस ऑफ सी की अगर बात करें तो इसमें जो भूमध्य सागर के देश हैं या फिर जो जलमार्ग से व्यापार होता था उसके बारे में, या जो भूमध्य सागर के देशों के बीच में जो संबंध थे उसके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। डायमेकस और पिलनी ये भी मौर्यों के समय के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अब अगर बात करें अलबरूनी की और अल मसूदी की, तो ये जब प्रारंभिक चरण में इस्लामिक आक्रमण भारत में हो रहे थे उस समय ये भारत में आते हैं और यहाँ के समाज के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, धर्म के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। और अगर सुलेमान और उथबी की बात करें तो ये बाद में आते हैं, इनके बाद में, और इन्होंने भी भारतीय जो समाज है, धर्म है, इनके बारे में अच्छे से विचार व्यक्त करने का प्रयास किया है। फायान की अगर बात करें जो चीन से भारत आता है, तो इसने गुप्त काल के बारे में काफ़ी कुछ सामग्री लिखी है या उस समय के समाज के बारे में एक अच्छा चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वेनसांग है, ये गुप्तोत्तर काल में भारत में आता है, और इत्सिंग है, ये हर्षवर्धन के समय भारत में आता है, और हेनसांग है, ये भी इत्सिंग का हर्षवर्धन का दरबार है उसमें भी ये शामिल होता है। तो उस समय का जो भारतीय गुप्तोत्तर, जिसको समाज कह सकते हैं, यानी गुप्तोत्तर कालीन जो समाज है उसके बारे में हेनसांग और इत्सिंग काफी अच्छी सामग्री प्रस्तुत करते हैं। अगर श्रीलंका की बात करें तो यहां से दीपवंश और महावंश हमें साहित्य के रूप में मिलते हैं जो श्रीलंका में लिखे गए थे, लेकिन मौर्य काल के बारे में ये स्पष्ट जानकारी देने का प्रयास करते हैं या मौर्य काल के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हमने बात की इतिहास की जानकारी के स्रोत, और उसके अंतर्गत हमने काफ़ी सरल शब्दों में इसको समझने का प्रयास किया। हमने पहले पुरातात्विक स्रोतों के बारे में देखा और फिर साहित्यिक स्रोतों के बारे में देखा। ठीक है, यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।